अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान सिंधिया के साथ प्रद्युमन सिंह तोमर भी नजर आए। सिंधिया के पुत्र महारीमन सिंधिया को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बुलाया गया था। इसे लेकर जब सिंधिया से एक चैनल ने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें यह अवसर मिला और वहां सम्मिलित होकर भगवान राम का आशीर्वाद मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना नाम दिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए कहा कि मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण इनकार किया, जनता देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया, जनता देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के सबसे खास माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल गांधी पर सिंधिया लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल करने से नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, MP।